इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें, और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। निधि जी कह रहे हैं सर ये इंटरवीन सरकार क्यों नहीं कर रही। सरकार करेगी तो बहुत बवाल मच जाएगा, केबीसी को रोकना या इस तरह का, ये हमें करना होगा। प्रकाश जावड़ेकर तो किस तरह के मंत्री हैं आप देख ही रहे हैं रेटिंग के लिए, लेकिन सरकार एक बंद सोसाइटी का मैसेज दे देगी पूरी दुनिया में। एक बंद सोसाइटी, मिडिल ईस्ट के सोसाइटी का मैसेज चला जाएगा यदि सरकार ने कर दिया। हमारे बच्चे हैं निधि जी, हमें ही समझाना होगा। हम जब तक दूसरों पर डालते रहेंगे हम नहीं समझा पाएंगे। एक बहुत बंद सोसाइटी, घुटन भरी सोसाइटी बन जाएगी यदि सरकार हर चीज में घुसने लग जाएगी। सरकार को दूर रखने की जरूरत है। समाज एक सागर है, सरकार उससे निकला हुआ एक नाला छोटा सा है। सरकार के भरोसे जो सभ्यताएं संस्कृति रहती है वो नष्ट हो जाती है। कभी भी सरकार के भरोसे चाणक्य नहीं बैठे थे, किसी सरकार के भरोसे कृष्ण नहीं बैठे थे, किसी सरकार के भरोसे राम भी नहीं बैठे थे कि आइए हम दशरथ जी की सेना लेकर लंका पे भरत को कह के हम सेना बुलवा लें। राम ने रिच भानु भालु बानरों की सेना बनाई। तो हम अपनी संस्कृति से जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक हम सरकार पर जीते रहेंगे, सरकार हमें बचाने नहीं आएगी। दिल्ली के बहुत सारे घर जो 53-54 घर गुजरे, दिल्ली पुलिस को फोन करते रहे, पुलिस नहीं आई, हिंसा करने वाले आ गए, मारकर चले गए, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार से ज्यादा हमें अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है, वो सरकार लगाने नहीं आएगी। तनवीर कर हमारे स्कूल में पुस्तक मेला जेएनयू के वामपंथी दिल्ली से आकर लगाते थे, सब लाल लाल किताबें। बिल्कुल उस जमाने की बात है। मुझे भी मार्क्स पढ़ाया गया, बेबर मार्क्स, तो खैर सोशोलॉजी का हूँ तो पढ़ाऊंगा ही, बेबर मार्क्स दर्खाइन। उसके अलावा आपको काफका और ये जो है आपको जितने लंपट है सब उधर के, आज भी देखते हो उनके टी शर्ट जो है, लोग फिदेल कास्त्रो का टी शर्ट लेके जो है उन सबके टी शर्ट घूमते हैं। और पुस्तक मेला आप चले जाओ, इस सब लाल हरे लाल लाल के ही पुस्तक मेला में पब्लिकेशन दिखेगा। तो ये ने बचपन से, मुझे याद है मैं बच्चा था ना, फर्स्ट हॉस्टल, पहला हॉस्टल में की मेरी यात्रा जो है 5-7 साल में शुरू हो गई थी। तो वहां उस जमाने में गांव था, एक पूसा मेरा ननिहाल था, वहां के हॉस्टल में मैं रहता था। थोड़ा शैतान था तो ननिहाल में भी लोग नहीं रखते थे, हॉस्टल में डाल दिया था। 5-7 साल का ही था, 5 साल का 6 साल का। तो वहां मुझे याद है अभी भी, 6 साल की वो स्मृति याद है कि स्कूल में आते थे ये हरे वाले क्रॉस लेके और इतना इतना यीशु की किताब देते थे और हमें पढ़ाते थे। और हमें भी बच्चा में लगता था कितने सुंदर थे वो, प्रेम बांटते थे, कैसे उनको सूली पे टांग दिया, कितना ये उस जमाने की बात कह रहा हूँ। 76 में मेरी पैदाइश है, 86-83 की बात कह रहा हूँ। वो अहर्निश लगे हुए हैं, वो कभी सरकार की मदद नहीं लेते, उनका समाज बहुत जागृत है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तब की बात कर रहा हूँ, उस जमाने की। छोटी छोटी किताबें लाता था और शाम को मैं हॉस्टल में जब छुट्टी होती थी तो शाम को टिफिन घर से जाता था मेरा, तो टिफिन पहुंचाने में अपनी नानी के पास आता था तो वो किताब लेकर आया था मैं। मुझे अभी भी याद है कि उस जमाने से चल रहा है चीजें, उससे भी पहले से चल रहा है। तो वो बहुत शातिर लोग हैं, बहुत शातिर लोग पुस्तकों के जरिए से। इसीलिए तो मैं पुस्तकों के जरिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। उन्होंने साहित्य के जरिए लड़ाई लड़ी। हमारे एक संस्था ले लीजिए संघ, वो कह रहे हैं कि हम इतिहास पुनर्लेखन विभाग वहां एक बना हुआ है कि हम इतिहास का पुनर्लेखन कराएंगे, बहुत अच्छी बात है। 6 साल हो गए अपनी सरकार आए, 5 साल वाजपेयी जी के समय, अभी तक वो इतिहास नहीं लिखवा।
आज भी रोमिला थापर, विपिन चंद्रा, सुमित सरकार की किताबें ही चलती हैं। और आपको बताया मैंने कि मंत्री महोदय एचआरडी के पूर्व मेरी किताब कहानी कम्युनिस्टों की का लोकार्पण करना था, तो भाग गए कि तुम मुझ पर भगवा करण का आरोप लगवा दो। और जरूरत नहीं है, आरसी मजूमदार का पूरे 11 पुस्तकों का खंड है पूरा, आप उसको ले आइए, जगन्नाथ सरकार की किताब ले आइए, सीताराम गोयल की किताब लाइए, हिंदी में उनका पूरा करवाइए, अन्य भाषाओं में कराइए, अपना सरस्वती शिशु मंदिर वहां पढ़वाइए, लेकिन नहीं, सरकार बदली। और उस चक्कर में आज तक न रोमिला हटी, न बिपिन चंद्रा हटा, न सुमित सरकार हटा। 6 साल तो हमारी इसी सरकार के हो गए। हमारे पूर्व एचआरडी मिनिस्टर जब प्रकाश जावड़ेकर थे, उन्होंने कहा हमने तो एक भी पन्ना इतिहास का नहीं बदला और दांत निपोड़ दिया। ये स्थिति है। और ये स्कूल स्कूल तक में पुस्तक के स्टॉल लगाते थे स्कूल। ये समा मैं इनसे मैं इन ये जो लाल हरा सफेद विचारधारा है, एक बात के लिए तो तारीफ करूंगा कि अपने विचारधारा के लिए लगातार लगे हैं। 500 हजार साल की पूरी योजना है, हम मर जाएंगे तो वो हम झंडा थाम लेगा, वो मरेगा तो वो थाम लेगा, लेकिन हम तो बस खाए कमाए अघाई प्रवृत्ति के होते चले गए, जिसके कारण अब थोड़ी सोशल मीडिया के कारण जागृति आ गई है फिर से। आप जैसे एमके कह रहे हैं कि एनसीईआरटी के सभी पुस्तकें लाल हरे सफेद द्वारा लिखी जाती है, बिल्कुल कह तो रहा हूं कि सोनिया की मनमोहन सरकार के समय, ये योगेंद्र यादव, ये जनाना योगेंद्र यादव, ये एनसीईआरटी बोर्ड में, ये इसकी किताब हमारे पास, ये तीस्ता शीतलवाड़, इसका काला चेहरा इस किताब में देखिए आप। तीस्ता शीतलवाड़ का एक फोटो दिखाता हूं आपको। मुझे तो अब अपनी किताबों के इतने रेफरेंस लेने पड़ते हैं आपको। मैं एक फोटोग्राफ दिखाता हूं कि कैसे ये देखिए, दिल्ली हाई, ये जितने भी दंगे के पीड़ित तथाकथित थे, ये सादा अदालत के कागज साइन करवा लिए जाते थे। ये सारे दस्तावेज आपको मिलेंगे जिन लोगों ने ऑर्डर दिया साजिश की कहानी में, नीचे उनके सिग्नेचर कराते थे और अपने मन से कुछ भी भरते थे। तीसरा सितंबर उसकी किताब हमारे बच्चे पढ़ रहे थे मनमोहन सरकार के समय, वो इतिहास पढ़ा रही हमारे एनसीईआरटी में, नरक मचा दिया इस देश में। और बताते हैं इन लोगों का थोड़ा बहुत, इन लोगों ने तो नरक कर दिया हमारे समाज का। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इन लोगों ने क्या क्या किया है, पूरी सोसाइटी को बर्बाद करके रख दिया है, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है, पर कोई जागृति नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है हमारे लिए कि कोई जागृत नहीं है। और ये देखिए, कुवैत से फंड आता था, देखिए कुवैत का, जब कुवैत ने भी अवार्ड दिया था, अभी दिया ना जावेद अख्तर को जैसे अवार्ड अभी पढ़ाया, और रवीश कुमार को, ये देखिए कुवैत के फेडरेशन ऑफ इंडियन एम मैं बोल नहीं सकता एसोसिएशन से सम्मान लेती थी इसका। ये देखिए, ये फोटोग्राफ है, देखिए पुरस्कारों की क्या राजनीति रही। तो ये जो खेल हुआ है, ये खेल इतना बड़ा है, इतना घातक है, कि जब तक हम नहीं समझेंगे, हम अपने आप को ही मिटाते रहे। और प्रकाश जावड़ेकर जैसे को मंत्री, जिसकी समझ आप सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में आप देख लीजिए, उनको टीआरपी से तब तक दिक्कत नहीं हुई, जब तक इनके नंबर वन थे तब तक प्रकाश जावड़ेकर को दिक्कत नहीं हुई। प्रकाश जावड़ेकर को दिक्कत हुई जब इनकी रेटिंग गिरने लगी और लेख लिखे जा रहे हैं ये जनता सोशल मीडिया पे गलत कर रही है, ये एक का बहिष्कार कर रही है लोगों को, क्योंकि हमने आर्थिक रूप से मारना सीख लिया, ये हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। और वो सीखना है हमें और ज्यादा, ये लाल हरे सफेद, ये निधि जी आवाज उठाना है, ट्विटर पे उठाइए, मोदी ऐप पे उठाइए, लिखिए लगातार, कोई जवाब नहीं आएगा, कोई बात नहीं, सुना सुनवाई होती है, नरेंद्र मोदी ऐप पे हर कोई लिखिए चिट्ठी, डाक का पोस्ट कार्ड का उपयोग कीजिए, 15 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के पोस्ट कार्ड पीएमओ में भर दीजिए, ये हमारी सरकार है। ट्विटर पे कीजिए टैग, करिए, ये बहुत जरूरी है, संगठित रूप से हम करेंगे तो ही हम जीत पाएंगे। तनिष्क का विज्ञापन मैंने नहीं देखा है, प्रिंस प्रिंस भाई कह रहे हैं मैंने नहीं देखा है, मैं टीवी नहीं देख पाता हूं, तो देखूंगा तो बताऊंगा आपको।
केबीसी की रेटिंग तो धड़ाम हो ही गई है कि हम कर रहे हैं, इसीलिए प्रकाश जावड़ेकर दुखी कह रहे हैं महानायक तो नजर से गिर गए, गिरना ही चाहिए, हम ही बनाते हैं, हम ही मिटाते हैं। लकीर हमने अगर सलेट पे खींची है तो जब तक नई उसको मिटाएंगे नहीं, नए अक्षर लिखेंगे कैसे? अब हमें समाज के नए नए नायक लाने हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं। सलेट पे लिखा हमने तो मिटाएंगे भी तो हम ही ना। देखिए जो निधि जी कह रही, ये लोग पहले ही पूरा बवंडर बना देते कि अब तो सारा इतिहास बदल दिया जाएगा। अरे रोमिला थापर से, बिपिन चंद्रा से, इन सब रोमिला थापर से पूछा इरफान हबीब से अदालत, ये तो सुप्रीम कोर्ट में कल्पना लिखने वाले लोग साबित हुए, इतिहासकार तो है ही नहीं। क्यों नहीं रोमिला साबित कर ली कि वहां राम मंदिर नहीं था, उनकी उन्हीं के खानदान का वो था? ओपी सिंह जी जो वही कह रहे हैं, 100 बात की एक बात, अपने बच्चों के समाजीकरण पर ध्यान दी, यही बहुत बड़ी बात है। ये समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है, यही बहुत बड़ी बात है, इसको हम संस्कार कहते हैं। और कोई उपाय नहीं है, आपके हाथ में यही उपाय है। सरकार को कैसे प्रेशराइज करना है, पोस्ट कार्ड लिखिए, नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखिए, ट्विटर पर लिखिए, और जब तक आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे, ट्रेन कर पाएंगे। हमारे बच्चों को हमने साफ कह दिया है, समझा दिया है, हमारे भतीजों को समझा दिया है, आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा भाई? कोई टीचर के भरोसे? टीचर ने पैदा किया है, टीचर के भरोसे हम छोड़ दें? वो जो सैलरीड लोग हैं उसके भरोसे हम छोड़ दें? हमने जो उनको जन्म दिया है, हमारी जो आत्मा उनमें बसती है, हम छोड़ देते हैं उस सैलरीड पर्सन पर कि वो समझाएगा? वो सैलरीड पर्सन क्यों समझाएगा भाई? वो तो 10 से 5 की नौकरी कर रहा है, वो क्यों समझाए? आप लोग सुपर चैट में भी भाग ले सकते हैं इसमें, और या फिर इसके जरिए सुपर चैट कीजिए, आप सब्सक्रिप्शन भी पे करिए, सब्सक्रिप्शन पे करना चाहिए कंटेंट का, ताकि सिस्टम चलता रहे। और हमने QR कोड भी लगा दिया है, साथ ही इसी वेबसाइट पे ISD सब्सक्राइब ISD करके एक पूरा पेज है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और QR कोड पे आप, ये भीम UPI का है, सरकारी है, इसके थ्रू भी आप कंटेंट के लिए एक छोटी सी 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन मनी पे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जब अंग्रेज भारत आए तब भारत में हरे टिड्डों का शासन था, पर जब अंग्रेज भारत छोड़े तो भारत में गणतंत्र आ गया। इस बात का दुख है कि हरे टिड्डो को ही भारत का शासन क्यों नहीं मिला, इसलिए हरे टिड्डे कन्वर्जन फिल्म और ये सब, ये फिल्म ऐसा नहीं कह रहा हूं, जो मैच्योर लोग हैं वो फिल्म देखिए और उसको काटिए और ध्वस्त कीजिए, मैच्योर लोगों से। जो मैच्योर नहीं है वो ना देखें, क्योंकि आपके दिमाग पे 786 से छप जाएगा जी। और ये देखिए तन्वी जी जो कह रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर दखल देगी तो मिडिल ईस्ट हम एक मध्ययुगीन समाज के रूप में पोस्टर कर दिए जाएंगे, इसलिए प्लीज सरकार की जगह स्वयं जगिए। बच्चा मेरा है, किसी सरकार का नहीं। कल को कोई राहुल, कोई अंकित सक्सेना जब सड़क पे पड़ा होगा तो कोई सरकार के आंसू नहीं गिरेंगे, वो आंसू हमारे होंगे। हम अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते। देखता हूँ मैं राहुल मार्शल जी, तनिष्क ऐड में देखूंगा, देखता हूँ। और आज मुझे अपने दादा पिता दादा से शिकायत है कि उन्होंने सच्चाई छुपाई, हमें सनातन से विलग कर 5-4 शब्द मैं पिता दादा ऐसा करने में सक्षम थे। हमें, मैं इसलिए कर रहा हूँ, बच्चों का दोष नहीं है, हमारी पुरानी पीढ़ी का दोष है। या तो आपने पढ़ा नहीं, या फिर आपने कहा कि जो सैलरी ले रहा है वही मेरा बच्चा संभाले। आया पे बच्चे डालोगे तो संस्कार कहाँ से आएंगे? बच्चे हमारे हैं भाई। ये ओपी सिंह जी कह रहे हैं, संदीप जी एक बात समझ नहीं आई, बॉलीवुड और कांग्रेस ने SSR केस पर दबाने के लिए आसमानी बिजली सुब्रमण्यम स्वामी पर केस क्यों नहीं कर रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी पर केस करके कोई पागल है, मरेगा? जो वो करेगा वो मर जाएगा भाई। वो कहता तो रहा हूँ, अर्णब गोस्वामी को छेड़ा TV Today ने तो पीछा कर दिया उसने, तो कौन मरेगा उसने? आप लोगों को लिस्ट तो मिल ही गई, आप लोगों को जो है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अर्णव गोस्वामी को यही लिखा है कि जिस तरह से मैं जनता के 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन से चैनल को चला रहा हूं, आप भी जनता से सब्सक्रिप्शन आह्वान करो, बजाज जैसो के मुंह पे थप्पड़ मार दो। मैं आपसे जो कहता हूं
और देखो आगे जाके कभी ना कभी साबित होता है। क्यों? क्योंकि मेरी पत्रकारिता की ट्रेनिंग वैसी है। मैं 3 बार 3 साल बर्बाद किया ललाओं के चक्कर में, फंड करने की जगह मेरा खून निडिल निकाल ले लेके निकालते रहे सब। तब मैंने कहा मैं जनता के पास ही जाऊं, उनको न्यूज देखना है तो वो सब्सक्रिप्शन लेंगे, कंटेंट का मूल्य चुकाएंगे, नहीं देखना है तो जयराम जी की। मैं कितना भी इसको चलाऊं, और जनता ने सपोर्ट किया। 1200-1500 लोग हैं जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन भरते हैं, और कुछ लोग हैं उसमें जो सब्सक्रिप्शन से ज्यादा भर देते हैं तो सिस्टम चल जाता है, रन हो जाता है। अर्नब गोस्वामी को भी जनता के सब्सक्रिप्शन में, अभी जो उन्होंने चैनल फ्री कर रखा है, यदि उनके चैनल को देखा जाए तो 22-25 करोड़ लोग देखते हैं। अगर 1-1 रुपए भी देगा तो 25 करोड़ रुपए महीने के उस बजाज से तो ज्यादा ही आएगा। बजाज के मुंह पे मारो तौलिया। तो फिर जनता को कंटेंट चाहिए तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा जी। यदि आप नेटफ्लिक्स का चुका सकते हो तो आप सच के न्यूज का साथ क्यों नहीं दे सकते? सीधी बात है, फ्री में कंटेंट तो कौन बनाएगा, कैसे टीम को रन करेगा? तो मैंने अर्णब गोस्वामी को यह लिखा है कि जैसे मैं चला रहा हूं छोटे स्तर पे, आप बड़े स्तर पे जनता से सब्सक्रिप्शन लीजिए और चलाइए बजाज जैसे और बॉलीवुड जैसे को गड्ढा खोद के गाड़ के उस पे पेड़ पौधा लगा दीजिए। बात खत्म। आप लोग यहाँ पर QR कोड देख रहे होंगे, उसको उसको स्कैन करके सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं, बहुत ही आसान। हेमानंद जी कह रहे हैं भारतीयों ने ब्रिटेन के लिए $1 मिलियन जमा किया है। भारतीय यही सब करते हैं, क्या कहिएगा? अपने अपने स्वार्थ में भारत, हम तो हमारी जाति ही हिंदू केकड़ा की जाति। जो ब्रिटेन को जिताएंगे उनको क्या हो गया, हमको क्या है, कश्मीर अपना जाए बाहर में जाए, वो स्थिति होगी। अब पता नहीं क्या। माँ आपका बहुत धन्यवाद। दिलीप कुमार जी कह रहे हैं मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, चैट में भाग नहीं ले पा रहा था, बेटों से सहायता नहीं लिया, आज सफल हुआ। अरे आप तो बहुत हृदय से आपका धन्यवाद कि आपने बिना किसी की सहायता से इसमें चैट में भाग लिया। यानी हर कोई ले सकता है, ये बुजुर्ग ले सकते हैं, हेमानंद जी बुजुर्ग हैं वो ले सकते हैं, आप सब भी ले सकते हैं। कई लोग बहाने बनाते हैं कि YouTube पे ही रहने का वो बहाना बनाते हैं, संदीप जी कोई और चैनल कर लीजिए यार, वहां नहीं। मैंने कहा आप वहीं रहिए, आप कुछ और देखिए, आपके लिए नहीं है ये चैनल। तो उन लोगों के लिए, उस युवाओं के लिए, दिलीप कुमार जी, दिलीप बी कुमार जी, हेमानंद जी, ये सब एक मॉडर्न, एक उदाहरण है, मॉडल है, उनको सीखना चाहिए जो YouTube छोड़ने को तैयार ही नहीं। संदीप जी यार प्लीज यही करा करो, हम कह नहीं करेंगे उस पर लाइव, देखेंगे देखें ना ना देखें ना देखें, हम तो अपने प्लेटफॉर्म को ही खड़ा करेंगे। और अभी तो थर्ड पार्टी ट्विच यूज कर रहा हूँ, आगे जाके फिर अपना ही प्लेटफॉर्म हो रहा है। हेमानंद जी ने कहा मैंने IGT को 10 15 16 वर्ष का सब्सक्रिप्शन भर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमानंद जी का। कुछ लोग जो ज्यादा सब्सक्रिप्शन पे करते हैं इसीलिए सिस्टम चल रहा है, वरना तो आप समझिए कि 1200 से 1500 लोग हैं तो इतना ही सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज पर मंथ का आता है। बाकी कुछ लोग हैं जो थोड़ा ज्यादा पे कर देते हैं या कोई साल भर का एक साथ पे कर देते हैं तो सिस्टम रन हो जाता है। धन्यवाद अरुण जी कह रहे हैं मैं आपको और साथ ही अर्णव गोस्वामी को भुगतान करूंगा, ये अच्छी बात है। देखिए मिलावट न्यूज में कब आती है? आप लोग कहते हैं ये लुटियंस है, ये वो है वो है, वो क्यों? क्योंकि वो किसी के फंड पे पल रहा है। साफ स्वच्छ न्यूज आपको देखना है तो आपको साफ स्वच्छ पैसे वाला जो है, पैसे से उसको योगदान देना होगा। और वो कंटेंट का मूल्य समझिए, उसको डोनेशन मत मानिए। डोनेशन डोनेशन मतलब यहाँ से भी कंटेंट जा रहा है, श्रम जा रहा है, शोध जा रहा है, समय जा रहा है, संसाधन इतना लगा रहे हैं तो यहाँ से भी कुछ जा रहा है, वहां से कंटेंट के लिए एक छोटा सा मूल्य आ रहा है। तो हम दोनों की तरफ से लेन देन है। मैं तो बड़ा साफ बोलने वाला आदमी हूँ, डोनेशन होता वो एक तरफा। कोई नहीं कहता नेटफ्लिक्स को कि मैं आपको डोनेशन करता हूँ, कोई नहीं कहता अमेजन प्राइम को कि मैं आपको डोनेशन करता हूँ, कोई नहीं कहता टाटा स्काई को कि मैं आपको डोनेशन करता हूँ। तो फिर इसको क्यों डोनेशन कहोगे? सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं आप, और उसका आप, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप ईमानदारी को, कि जर्नलिज्म को पे कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहित जी कह रहे हैं YouTube ट्विच अमेरिकी है, हमको भारत में निर्मित वीडियो प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, गूगल जैसा भी
भारत के अंदर इंटरनेट होना चाहिए, विदेशों में से इंटरनेट संपर्क की कोई जरूरत नहीं। अभी रोहित जी, क्लाउड के लिए तो बड़ा अभी कुछ नहीं है भारत में, जियो जब बनाएगा तो हम उसका लेंगे। अभी तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और AWS जो अमेजन का है, और ये ट्विच भी अमेजन का है, इसके भी बड़े गाइडलाइंस है। मैं तो ऐसे घबराया रहता हूँ, तो मैंने अपने प्रयास किया है अभी अपना एक रॉ सर्वर ले लूं, भले गूगल का माइक्रोसॉफ्ट का लूं, उनको मेरे कंटेंट से कुछ लेना नहीं होगा, और फिर हम उस पे अपना लाइव स्ट्रीम को लॉन्च करें। लेकिन जब भारत का अपना, मुझे लगता है वो जियो ही कर पाएगा क्लाउड सर्वर उस स्तर का, अभी वो क्लाउड सर्वर उस स्तर का नहीं है, तो फिर हम ट्रांसफर उस पे कर लेंगे। सुरजीत बोस जी हैं, कह रहे हैं अर्नब के साथ जनता है, प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्नब की एक आवाज है। सही बात है, जनता साथ दे तो सब कुछ चल ही जाता है। हेमानंद जी ने कितना अच्छे बात कहा, जैसा अन्न वैसा मन, डोनेशन नाना दया पात्र नहीं, कोई दया पात्र नहीं। सही बात है, हम किस बात के दया पात्र, हम भी तो कंटेंट ही दे रहे हैं। तो हेमानंद जी वह सही कह रहे हैं, दान हम नहीं लेते, हम कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य चुकाने को कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमानंद जी, आपका आशीर्वाद बना रहे इंडिया स्पीक डेली हम सब पर। आप सच्चाई के लिए मार्गदर्शन करने और खड़े होने में, अरुण जी आप सब महान है, सब महान है, हम सब एक साथी हैं और एक दूसरे का को जो है। हेमानंद जी कह रहे हैं गाली गलौच ना करें या चैनल भी बंद हो जाएगा, ठीक है अब सही में मत कीजिए, कौन लोग कर रहे हैं फिर आप देख लो। हेमानंद जी ने किस का नाम कहा है देख लो एक बार, गाली गलौज मत कीजिए, चैनल सचमुच बंद हो जाएगा, मैं कहाँ तक लड़ता रहूंगा, लड़ने की भी एक सीमा होगी, कभी तो मैं भी टूट जाऊंगा, मत लड़िए सब आपस में। बीजेपी ने आतंक के हितैषियों को ठिकाने, बीजेपी नहीं लगा सकती, पॉलिटिकल पार्टी है, जनता लगाएगी, हम और आप लगाएंगे, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है। आप उसको वही गलती कर रहे हैं कि आप उसको क्या धर्म दक्षिणा वाला पार्टी समझ रखे, वो पॉलिटिकल पार्टी, उसको रन करना। वेंकैया माँ कह रही है, वेंकैया माँ को शिकायत थी, मैं उनको ढूंढ रहा था कि आप साउथ की न्यूज नहीं लेते, कह रहे थैंक्स सर जी फॉर टेकिंग द जगन न्यूज, टूडेज वायरल न्यूज, वहां अखबार जगन का न्यूज आपने लिया, धन्यवाद। दक्षिण भारत का न्यूज मैं आपको, नकली भौजी और नकली गांधी का अद्भुत मिलन, वाह वाह। राहुल जी कह रहे हैं, संदीप जी टेलीग्राम पर केजरी की PDF पढ़ रहा हूँ, दिमाग की बत्ती जल गई है, इतना बड़ा धोखा। चलो जो लोग कपोत का टेलीग्राम पर, इंडिया स्पीक्स की तरह ही कपोत का भी मैं टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस पर आपको मैं नई नई किताबें निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए देता रहूंगा। आज मैंने अपनी लिखी केजरीवाल सच्चाई या साजिश आप लोगों को दी है, जो लोग भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो उस पर मौजूद है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और केजरीवाल सच्चाई या साजिश आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ के मजा आ जाएगा। मजा यूं कि देश में ऐसे ऐसे भी साजिश हुए हैं। मुदगल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कह रहे संदीप जी द्वारा कम संसाधनों से बहुत अच्छा प्रयास, मैं कोई संसाधन बहुत सही बिल्कुल कर, बहुत मामूली संसाधन में मैं काम कर रहा हूँ, बहुत मामूली संसाधन। मुझे तो बहुत दिक्कत हो जाती है जब महीने का आखिर होता है, लोगों को सैलरी देनी होती है, तो मेरे हाथ से पसीने छूटने लगते हैं, फिर मैं लोगों से कहता हूँ बार बार कि आप प्लीज सब्सक्रिप्शन चुकाइए, प्लीज सब्सक्रिप्शन चुकाइए, क्योंकि आप चुकाएंगे तब टीम चल पाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है चलाना। और ज्ञान में तो आप, ज्ञान में दक्षिणा डालना ही पड़ता है, वो तो पुराने जमाने से सहज, गुरु दक्षिणा ऐसे भी क्यों कहा गया, कुछ तो कहा वजह होगी। इसलिए ज्ञान के में आप सब कंटेंट का मूल्य सबको देना चाहिए, तब जाके हम स्वच्छ पत्रकारिता ला पाएंगे। कभी भी कॉरपोरेट और विज्ञापन से और सरकार के जरिए स्वच्छ पत्रकारिता नहीं आ सकती। अब इसको समाप्त करते हैं, मेरे वीडियो एडिटर जो है देहांत अठ रहा है, घर जाना होगा उसको, तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किंग दिव्य ने भी पढ़, किंग दिव्य ने भी पढ़ लिया ई बुक्स, तो आप लोग सब यू, 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 यू जो है ई बुक्स वहां से ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं मैं कल आपसे, जाते जाते जो लोग सक्षम है प्लीज कंटेंट के लिए आप जरूर पे कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।